तालीम का मतलब जो है वो एजुकेशन होता है, लेकिन आप अगर कभी भी उर्दू में कोई जुमला इस्तेमाल करेंगे तालीम से मुतालिक, तो वहाँ पर पूरा जुमला लिखा जाएगा कि हम बच्चे की तालीम और तरबियत पर ज़ोर दे रहे हैं। लिहाजा इस दौर के अंदर एक अलमिया है वो ये कि तालीम को तो हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है और तालीम ही तालीम जो है वो हमारे पे घूम रही है, लेकिन इसी तालीम का एक बहुत अहम पहलू जो है वो तरबियत भी रहा है, जो कि इतना अहम था कि किसी ज़माने में मुसलमान जब अपने उरूज के ऊपर मौजूद थे और उनका उरूज था इस्पानिया के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हमारी कायम थी कि जिसके अंदर 2 मिलियन किताबें, ऐसी किताबें जो किसी अलग अलग राइटर के साथ जो लिखी हुई हों, यानी कि एक ही किताब की रेप्लिका नहीं, एक ही किताब की कॉपीज नहीं, बल्कि अलग अलग तरह की किताबें जो इतनी मौजूद थी। तो उस ज़माने में जब मुसलमान वहाँ पर लोगों को तालीम दिया करते थे तो एक ख़त जो है वो बाकायदा मौजूद है इस वक्त भी इस्तांबुल, तुर्की के शहर इस्तांबुल के एक म्यूज़ियम में, कि जहाँ पर ऑस्ट्रिया के बादशाह ने अपने 2 शहज़ादों को इस्पानिया स्पेन जो है वो भेजा मुसलमानों के पास तालीम हासिल करने के लिए, और उसके साथ एक ख़त उन्होंने जो है वो लिख कर भेजा कि मैं अपने 2 बच्चों को, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे और मुसलमान इस्पानिया में जो है वो मुसलमान आबाद थे, तो तालीम क्योंकि मुसलमानों के पास थी तो ऑस्ट्रिया से 2 शहज़ादे जो है वो आ रहे हैं क्रिश्चियनिटी को जो है वो फॉलो करने वाले, उनके वालिद ने वहाँ के बादशाह ने जो है वो ये ख़त लिखा है कि मैं अपने 2 बच्चों को आपके पास भेज रहा हूँ तालीम के लिए, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इन बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। लिहाजा ये बहुत अहम चीज़ है कि जिस दौर के अंदर हम अपने बच्चों अपनी औलादों के हवाले से फ़िक्रमंद हैं कि ये तालीम हासिल करें ताकि दुनिया में कोई अच्छा नाम कमा सकें, वहीं हमें इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इनकी तरबियत क्या हो रही है। और देखें, हम इस दुनिया के अंदर जिस तरह से ठोकरें खा रहे हैं, हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अब जब तालीम हमें नज़र आती है कि किसी के पास तालीम बहुत ज़्यादा है तो हम उसकी तरफ दौड़ने लग जाते हैं, लेकिन जब हम उनकी तरफ दौड़ते दौड़ते आगे तक पहुँचते हैं तो पता चलता है कि तालीम तो बहुत है यहाँ पर, लेकिन तरबियत का नामो निशान नहीं है। यानी कि वही जिनको आप तहजीबी याफ्ता माशरे इस दौर के अंदर कह रहे हैं, वहाँ पर वालदैन को अपने साथ रखने का तसव्वुर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है। वालदैन जो है वो जैसे जैसे अपनी बुढ़ापे की उम्र में जा रहे होते हैं, उन्हें अपनी औलाद से डर लगने लग जाता है कि ये किस वक्त हमें अपनी ज़िंदगी से जो है वो निकाल कर बाहर फेंक देगा। और वजह उसकी क्या है कि उन्होंने उनकी तालीम के ऊपर तो फोकस किया लेकिन उनकी तरबियत का ध्यान नहीं दिया। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी बच्चों ने भी परफॉर्मेंस दी, उसके अंदर बच्चों ने अपने वालदैन के हवाले से जो है वो दुआएं की, तो ये दरअसल हमारी तरबियत का हिस्सा है। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ना भी पढ़ पाया तो कोई मसला नहीं है, दुनिया में बहुत सारे काम हैं ऐसे जो मेरा बच्चा कर ही लेगा इंशाल्लाह, लेकिन अगर मेरा बच्चा तरबियत में खुदा न खास्ता कहीं पीछे रह गया तो आप समझें कि हमारी दुनिया भी बर्बाद है और हमारी आखिरत भी बर्बाद है। लिहाजा मैं सर नवेद को और उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत बेहतरीन स्टेप जो है वो लिया है कि स्कूल के साथ अब इस्लामिक जो है वो लगा दिया है। और आप लोगों को मुमकिन है बास पेरेंट्स को इससे कुछ खदशात हों, लेकिन एक खदशा जो है वो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि पता ये चला है हमें कि हमारा ये स्कूल है जहाँ पर हम तालीम हासिल करते हैं, लेकिन तरबियत के लिए अब हम किसी और की ठोकर पर जाने के लिए नहीं, बल्कि हम अपने जो हमारी जिसे कह लें सकाफत है, हमारा जो दीन है, हम अब तरबियत बच्चों की वहाँ से जो वो किया करेंगे। लिहाजा ये खुशाइन बात है, इंशाल्लाह हमारे बच्चों की दुनिया भी संवरेगी और आखरत भी संवरेगी। मैं इस गुफ्तगू को यहीं पर ही जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ अपनी, और आप लोगों से ख़ासतौर पर जो है वो मैं आप लोगों की जो है वो ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो बच्चे इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं वो दरअसल हमारी एक तरबियत का हिस्सा है।